हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीनिश युग में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले राजस्थान भूगोल की, जो कि जलवायु के जीके क्विज़ के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के न्यू वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके कर दें और पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे हमारा जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु, टोटल फ्रेंड्स इसमें मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन छांट कर निकले हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला प्रश्न, भूमध्य सागर के चक्रवात से होती है। देखिए, भूमध्य सागर में चक्रवात से क्या होती है? तो देखिए, काल बैसाखी, आम्र वर्षा, मावट या वक्रोक्त वर्षा। देखिए, इसका आंसर आपके मावट। देखिए, भूमध्य सागर में के चक्रवात होता है तो मावट होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य में चलने वाली हवाओं की दिशा। देखिए, राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी दिशा चलती है हवा की? देखिए, पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण। देखिए, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम। देखिए, राज्य में न्यूनतम वार्षिक वातावरण द्वारा वाला जिला। देखिए, झालावाड़, जैसलमेर, सिरोही या बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, जो कि राज्य में न्यूनतम वार्षिक वातावरण द्वारा जिला है। देखिए, चौथा प्रश्न आपके लिए, वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 55%, 34, 67, 58। इसका आंसर 58। अगला देखिए, राज्य के किस भाग में कर्क रेखा गुजरती है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या पश्चिमी? देखिए, इसका आंसर दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। देखिए, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। अगले देखिए, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा कच्छ की खाड़ी से कितनी दूर पर है? 200 किमी, 225 किमी, 345 किलोमीटर, 412 किलोमीटर। देखिए, इसका आंसर 225 किलोमीटर, जो कि राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा कच्छ की खाड़ी से दूर है। अगला देखिए, राज्य में प्रति वर्ष औसतन वर्षा के दिनों की संख्या, यानी कि कितने दिनों तक वर्षा हो सकती है? देखिए, 31 दिन, 34, 29 या 45। देखिए, 29 दिन जो कि औसत वर्षा के दिन है। अगला देखिए, वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उनके चारों ओर मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है, आगोर, पायतान, दोनों या नाड़ी? देखिए, इसका आंसर आपके आगोर, पायतान, दोनों ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मावट किससे होती है? भूमध्य सागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, सर्दी की शुष्क हवाओं से। देखिए, ये पहले आपके प्रश्न आ गए हैं, जो भूमध्य सागर में चक्रवात के कारण मावट होती है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर से। अगला देखिए, राजस्थान में औसत वर्षा होती है 57.8 सेमी, 55.8 सेमी, 57.55 सेमी, 54.67 सेमी। देखिए, इसका आंसर 57.51 सेमी, जो कि राजस्थान में औसतन वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसकी तिरछी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं? बांसवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, धौलपुर। देखिए, इसका आंसर आपके श्रीगंगानगर, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकता है तो उसकी तिरछी किरणें श्रीगंगानगर पर पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उत्तर पूर्वी दिशा में से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सूर्या, संजेरी, चील, समदरी। देखिए, राज्य में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश होने वाली हवा, ये आपका ऑप्शन है। अगला इसका देखिए आंसर संजेरी, यानी कि जो राज्य में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करने वाली हवा है उसे संजेरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, समानता राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो कि राजस्थान की जलवायु है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है? देखिए, 3, 5, 4 या 6। देखिए, 5 भागों में जो कि राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। अगला देखिए, स्टेपी प्रकार की वनस्पति में घास के मैदान पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश? जिसके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगला देखिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, समुद्र तल से दूरी, आकांक्षा देशांतरीय विस्तार, धरातलीय स्थिति, उपयुक्त सभी। देखिए, इसका आंसर आपके उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ही इसके सही होंगे। देखिए, समुद्र तल से दूरी का कारण, आकांक्षा देशांतरीय विस्तार, धरातलीय स्थिति, ये सभी इसके कारक हैं। अगला देखिए, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। देखिए, इसका आंसर दक्षिण पश्चिम, जो कि राज्य का
वो भाग हैं जो कि अरब सागर से उठे मानसून से सबसे अधिक वर्षा पाता है। अगला देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा से अधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है? आबूखंड प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश, चंबल बेसिन। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला देखिए आपके 19वां प्रश्न, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 4 या 8। देखिए 5 भागों में। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, लास्ट प्रश्न आपके लिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्रफल बनता है, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में? देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। और अगला देखिए, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ध्रुवीय, अर्धशुष्क, शुष्क या आर्द्र? इसका आंसर देखिए ध्रुवीय। अगला देखिए, लू के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड शुष्क व गर्म हवा, यह थार के मरुस्थल में चलती है, इनकी गति सामान्यतः 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यह स्थायी पवन है। देखिए यह स्थायी पवन है। अगला देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर, नागौर, चूरू या जोधपुर? देखिए चूरू जो कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र? इसका आंसर देखिए पश्चिमी क्षेत्र। देखिए 25 प्रश्न मैंने आपके लिए इसमें बनाए हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? देखिए जैसलमेर। तो देखिए ये आपके टोटल 25 प्रश्न है जो कि जलवायु के रिलेटेड है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके जो कि और भी न्यू वीडियोज़ भूगोल के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के न्यू वीडियोज़ पाते रहने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, आपके दोस्त भी इस वीडियो से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें।